भारत सरकार अब मौका दे रहा है घर बैठे 40,000 रुपये महीना कमाने का। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पोस्ट ऑफिस की एक फ्रेंचाइजी की स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की है, जिसे आप अपने घर पर ही खोलकर कम लागत में, या यूँ कहें कि बहुत ही कम लागत में आप इसे कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, कितनी लागत लगेगी, कहाँ फ्रेंचाइजी के लिए आपको आवेदन करना है, तमाम चीज़ों के लिए इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी बिजनेस आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को देखने के बाद और भी वीडियोस आप बिजनेस आइडिया को लेकर देख सकते हैं, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा वाले। नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उसे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप घर बैठकर कमाई करने का उपाय ढूंढ रहे हैं तो ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला, क्योंकि आईपीबी का लक्ष्य पूरे भारत में पहुंचने और देश भर के सभी डाकघरों में अपने आप की एक पहुंच बनाने की पूरी मुहिम छेड़ चुकी है। दोस्तों, सिंपली ये भारत सरकार अब यह चाह रही है कि भारत पूरी तरीके से कनेक्ट हो सके, चाहे वो डिजिटली हो, चाहे वो पोस्ट के माध्यम से हो, जहां बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विस भी आपको ईजिली प्रदान की जा सके, जैसे कि आपके लोन आपको हो, या फिर आपको कई तरह की स्कीम्स के तहत इंश्योरेंस कराना हो, और भी तमाम एफडी जैसी, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी चीज़ें आपको मिल सके। तो अगर आप 8वीं पास हैं, सिर्फ जो लक्ष्य रखा गया है वो 8वीं पास होना चाहिए, और आपकी उम्र लगभग 18 साल या 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो आप अपने घर में डाक खाना खोलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, इसके लिए करना आपको है, डाक विभाग अपनी फ्रेंचाइजी की स्कीम के तहत आपको घर में डाक खाना खोलने की सहूलियत दे रहा है। हम बता रहे हैं कि घर में डाक खाना खोलकर आप कौन कौन सी सेवाएं दे सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको डाक विभाग की तरफ से तय किए गए परफॉर्मा में डिविजनल हेड के नाम आवेदन लिखना होगा, और इसके तहत आपको एसडीआई के रिपोर्ट के आधार पर डिविजनल हेड फ्रेंचाइजी का चुनाव करते हैं, और कंप्यूटर की सुविधा मुहैया कराने वाले और पोस्टल पेंशनर को इसमें प्राथमिकता दी जाती है, जैसे कि जिसके पास सीएससी है, जिसके पास और भी कंप्यूटर के दुकान या फिर ऐसे कुछ चीज़ें हैं, या फिर पोस्टल पेंशनर है, तो उसको प्रायोरिटी पर ये काम दिया जाएगा। अगर आप इसमें से किसी एक कैटेगरी में आते हैं तो आपको ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है, ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और दूसरा, आप दूसरे लोग भी हैं नहीं इन सब चीज़ कर रहे हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आपको काम मिलेगा। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले दोस्तों, आपको फिर अब क्या करना है, फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन करने के लिए उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम सीमा 18 साल है। ठीक है, कोई भी दुकानदार और दूसरी तरह का कारोबार करने वाला व्यक्ति भी फ्रेंचाइजी लेकर अपने व्यवसाय के साथ साथ डाक का काम भी कर सकता है। फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट में आपको कुछ ज़्यादा नहीं, एनएससी के रूप में आपको 5,000 रुपये, यानी कि न्यूनतम सिक्योरिटी जमा के रूप में 5,000 रुपये आपको जमा करना होगा। आपके रोज़ाना के औसतन कारोबार के आधार पर सिक्योरिटी डिपॉजिट को बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए जो आपकी कमाई डेली है वो जो सरकार ने तय किया है जिसके आधार पर 5,000 रखा है, अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, अब आप काम क्या क्या कर सकते हैं, आप मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंप, स्टेशनरी की सील, ई पोस्ट की बुकिंग भी कर सकते हैं। आपको रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट की बल्क बुकिंग करने की भी सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। आप डाक विभाग के बिल, टैक्स फाइल, कलेक्शन और पेमेंट सर्विसेज भी कस्टमर्स को उपलब्ध करा सकते हैं। इन सभी सर्विसेज से आपको कमाई होगी। कैसे होगी तो मैं बताता हूं आपको कि अगर आप 100 रुपये से कम मनी ऑर्डर बुक नहीं कर सकते हैं यहां पर, ठीक है, आपको यहां एक टारगेट दिया गया है कि आप 100 रुपये से कम का मनी ऑर्डर बुक नहीं कर पाएंगे। आपको कमाई क्या है वो जान लेते हैं। अब आपको प्रत्येक रजिस्टर्ड आर्टिकल पर 3 रुपये की कमाई होगी। स्पीड पोस्ट अगर आप करते हैं तो उस पर 5 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर 100 से 200 रुपये का मनी ऑर्डर करते हैं तो 3.5 रुपया एक मनी ऑर्डर पर, वहीं दूसरे से अधिक का करते हैं तो 5 रुपया। अगर 1000 आर्टिकल से ज़्यादा की आप रजिस्ट्री करते हैं तो 20% उसका मिलेगा। पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टल स्टेशनरी का कुल बिक्री पर अलग से 5% आपको मिलेगा, और रिटेल सर्विसेज, रेवेन्यू स्टैम्प, सेंट्रल रिक्रूटमेंट फीस पर 40% का कमीशन मिलेगा। कुल मिलाकर मान लीजिए कि आप 40 से 50,000 रुपये महीने का आप इन सर्विसेज से कमा सकते हैं। अब इससे कहाँ करने में फ़ायदा होगा, ध्यान ये रखिए कि आपके नज़दीक में कोई पोस्ट ऑफिस ना हो, दूर गांव में, इलाके में, ऐसे इलाके में जहां पर आबादी है लेकिन पोस्टल सर्विसेज नहीं है, वहां पर आप इसे करें तो आप 50,000 से ऊपर का मुनाफा करेंगे, साथ ही अपने समाज में एक अलग पहचान बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी बिजनेस आइडिया अभी 2019 में तुरंत एकदम नई नई आई हुई। आप सभी इसमें जुड़े, और भी कुछ समस्या आपको हो तो आप कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी आप हमसे चीज़ें जान सकते हैं। जो भी होगी जानकारी सहायता प्रदान करेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, इससे आप आगे भी और इस तरह के मोटिवेशनल और इस तरह के इंस्पिरेशनल बिजनेस आइडियाज़ को जान सकेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।